अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATL लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जिस खबर पे हम चर्चा करेंगे वो खबर है बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। अब बाबा शब्द ये कैसे रामदेव के साथ जुड़ा, ये उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। हालांकि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो व्यक्ति सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करके क्या कोई बाबा बन सकता है क्या? वो बाबा रामदेव के बारे में जब आप उनका बायोडाटा जब खंगालना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये शुद्ध रूप से एक व्यापारी हैं जो सिर्फ व्यापार करना जानते हैं, दवा बेचना जानते हैं, आटा बेचना जानते हैं, चावल बेचना जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन ये बाबा अपने क्रियाकलापों से कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। एक बार तो हद तब हो गई जब दिल्ली के रामलीला मैदान से सलवार समीज में इन्हें भागना पड़ा और उस समय काफ़ी इनकी भद्द पिटी थी। लेकिन आज रामदेव ने ऐसा काम कर दिया कि जिससे पूरे देश में, जो देश के भगवान के, धरती के भगवान कहे जाते हैं, जितने डॉक्टर हैं एलोपैथ के, वो सारे इनके खिलाफ खड़े हो गए। बाबा रामदेव ने ये कह दिया कि आज कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है उसमें बहुत सारी मौतें ये एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। बाबा रामदेव ने भी कोरोना की जो बीमारी है उसकी दवा बनाई थी, कोरोनिल, और उसे हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन भी किया था। लेकिन महज चंद रोज के भीतर उसकी कलाई खुल गई और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी इस सफाई देनी पड़ी। लेकिन आज बाबा फिर सुर्खियों में हैं। अब उनका ये कहना है कि एलोपैथी जो दवा है उससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। इस पर जो हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है मेडिकल से जुड़ी हुई, IMA ने कड़ा विरोध जताया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आपदा एक्ट 188 के अंतर्गत बाबा रामदेव पर FIR होना चाहिए और इन्हें जेल की सलाखों में बंद करना चाहिए। अब इस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ के सिवान के IMA के सचिव शरद चौधरी जी के पास बैठे हुए हैं। ये बताएंगे कि बाबा रामदेव का जो ये तर्क है, जो बयान है, वो कितना सही है, उसको कितना सही मानते हैं। सर, अब ये बताइए कि बाबा रामदेव ने जिस तरह से टिप्पणी की है और पूरा IMA वो खिलाफ चला गया है, उन्होंने कहा कि इनको, इन पर FIR हो, इन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, क्या इस तरह के जो बाबा रामदेव हैं, जो आयुर्वेद की दवा वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं, क्या इस तरह की बातें करना शोभा देता है TV चैनलों पे? सर्वप्रथम तो इस समसामयिक विषय को उठाने के लिए मैं ATN टीम को धन्यवाद देता हूँ। और ये मुद्दा अभी काफ़ी गर्म है और लाजमी भी है इस मुद्दे को उठाना कि एक देश का जिम्मेवार व्यक्ति जिसके सारे फॉलोअर्स हैं और जो ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि वो किसी एक खास विधा के ज्ञाता हैं, हमें नहीं मालूम कि उस विधा के वो कितने ज्ञाता हैं नहीं है, ये मुझे को मालूम नहीं है। लेकिन पहली उनकी बात जो एलोपैथिक जो है वो बहुत लोगों का जान ले लिया, तो मैं आप सबों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि एलोपैथिक जो है उसके पीछे एक बहुत लंबा, आप एक अगर टैबलेट खाते हो उस टैबलेट को बहुत सारे जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आप तक पहुंचती है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई विधा खराब है, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आयुर्वेद जो है वो खराब है,
आयुर्वेद का बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन मेरे समझ से जो मेरी समझदारी है, ये बाबा रामदेव शरीखे लोग या कुछ और लोग जो हैं जो तथाकथित अपने को आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं, उन लोगों ने ही इस विधा को बदनाम किया है, जिससे कि आम पब्लिक का भरोसा जो है वो इस विधा से उठ गया है। मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि ये विधा ख़राब है, नहीं, इस विधा का अपना बहुत बरसों बरसों पुराना इतिहास रहा है और इस विधा में भारत का बहुत नाम रहा है विदेशों में, विदेशों से लोग इस विधा के साथ। जिस तरह से IMA ने एकदम कड़ा चेतावनी खुले शब्दों में सरकार को लिखा है कि ऐसे लोगों पे जो इस तरह से जो देश की सबसे बड़ी जो मतलब इससे बड़ा कोई हमारे यहाँ तो इलाज है ही नहीं, तो इस पर उंगली उठाना और इस तरह से कहना कि इससे लोगों की मौतें हुई हैं आज के समय में, तो क्या आप चाहते हैं कि आप मतलब आप ये सिवान के जो IMA के सचिव हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, IMA सचिव होने के नाते और बाबा रामदेव काफ़ी जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ये बात कोई आम आदमी बोला होता तो हम लोग नोटिस भी नहीं करते, लेकिन जिनके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, योगा के चलते फॉलोअर्स हैं, और वो अगर ऐसे बोलते हैं तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। दूसरी बात कि किसी विधा का अगर आप में ताकत है तो दुनिया आपको पहचानेगी, किसी का बुराई करके आप अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत समझ। आपको सर आपको नहीं लगता कि जैसे हमें लग रहा है कि बाबा रामदेव इधर कुछ दिनों से उनकी दुकानदारी लड़खड़ा रही है, उनका जो पतंजलि है वो घाटे में चल रहा है, तो ये सुर्खियों में बनने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान बेतुका बयान दे जारी कर। बिल्कुल सही बात बोले, बाबा रामदेव सुर्खियों में बने रहने के लिए आजकल इस कोरोना काल में कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, सारे लोग दूसरे दूसरे चीज़ में परेशान हैं, तो ये उलझुल हरकत, ये सोची समझी मतलब प्लानिंग के तहत ऐसा बाबा रामदेव ने किया है, इसलिए कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, तो और ये सारे लोगों का आजकल ऐसा मानना है ना कि नाम से ज़्यादा नाम जो है वो बदनाम होने में होता है, तो कोई अच्छी बात कहने में शायद कोई नोटिस ना करे, लेकिन हम उलझुल कोई बात बोल दें तो सारे लोग के नज़र पे चढ़ जाएंगे। और मेरे हिसाब से बाबा रामदेव का काफ़ी प्रचार हुआ, सारे लोग मीडिया के कवर में रहे, आप भी आ जाएँ बाबा रामदेव को, मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन कभी आपने बाबा रामदेव के बारे में सवाल नहीं पूछा, तो ये बहुत सारा इंटरव्यू आज पूरे देश में जब इसकी चर्चा हो रही है तो हमें लगा कि हमें भी सिवान के जो IMA के जो सचिव हैं उनसे इस पर बात करनी चाहिए और इसी को लेकर के हम आपके पास पहुंचे। इसलिए मैं ये सरकार से IMA सचिव होने के नाते और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, ये नहीं कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ इस नाते से बोल रहा हूँ, कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति किसी को भी किसी के बारे में गलत बयानी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बाबा रामदेव के पास प्रूफ है कि एलोपैथिक दवाइयों से लोगों की जान गई है तो निश्चित तौर से वो लेकर के आए, उनका स्वागत है। और ये क्या है, साइंस डेली रोज़ बदलने वाली बात है, रोज़ प्रोग्रेस होता है, अगर उनकी बात सही होती है तो हम लोग फिर उस पर, हम लोग क्या, सारे साइंटिस्ट उस चीज़ पर विचार करेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी और कुछ ऐसा कड़ा कदम उठाएगी जिससे आने वाले भविष्य में इस तरह की, कम से कम इस तरह की नकारात्मक चर्चा ना हो? हमें नहीं लगता है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। जहां तक हमको ज्ञात है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का एक चिट्ठी लिखे हैं और उस चिट्ठी के जवाब में बाबा रामदेव ने खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने वक्तव्य को वापस लेता हूं। हमको ऐसा लगता है कि कोई वो सॉलिड चीज़ है, भौतिक चीज़ है कि घर से बाहर रख दिया, अब उठा के घर में रख दे रहे हैं। शायद बाबा रामदेव भूल गए हैं कि ये बात है जो लोगों तक पहुंच चुकी है, इसको मुंह से कपाल भाटी करने से भी वो अंदर नहीं जाने वाला है, वो बाहर है और बाहर ही रहेगा। तो निश्चित तौर से अभी जो बातचीत हम लोगों की चल रही है, हमारे जो एपेक्स IMA के लोग हैं ये विचार कर रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे जिम्मेदार लोगों को गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह का उलुल जुलुल इस कोरोना काल में वक्तव्य देने का
कोशिश ना करे, साहस। चलिए, आपने देखा कि शरद जिससे अभी हमारी बातचीत हो रही थी बाबा रामदेव के बयान पे, और जो रामदेव ने एक चिट्ठी जारी किया है, ये खबर हम तक भी थी, हम उस पर लास्ट में चर्चा करते, लेकिन शरद जी ने साफ शब्दों में कहा कि एक चिट्ठी जारी हुई है हर्षवर्धन की तरफ से, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और दूसरी चिट्ठी बाबा रामदेव की तरफ से कि अगर मेरे कहने से उन्होंने खेद व्यक्त किया है। लेकिन क्या अब सवाल उठता है कि कल आप किसी को गाली दे दें, किसी को सरेआम तमाचा मार दें, किसी को आप चोर कह दें, और दूसरे दिन जब आप पे कार्रवाई की बात हो तो आप कहें कि ये हम वापस ले लेते हैं, क्या इससे ये मामला खत्म हो जाता है? क्या खत्म हो जाना चाहिए, या ऐसे लोगों पे, जैसे कि शरद जी ने ये भी साफ कर दिया है कि हो सकता है सरकार बाबा रामदेव के बहकावे में आ जाए या उनसे प्रभावित हो, तो आइए, मैंने ये भी फैसला लिया है कि हम इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, और कोर्ट जो फैसला देगा सर आंखों पे, तो ये एक अच्छी पहल हुई है। और कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो इसका प्रमाण होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आप राह चलते किसी पे उंगली उठा दे, किसी को आप कुछ बोल दे, तो ये गलत चीज़ है। बाबा रामदेव जैसे लोगों को सैकड़ों बार सोचना चाहिए। बाबा रामदेव एक शुद्ध रूप से व्यापारी हैं, हमें आज तक जानकारी नहीं है कि उनके कहीं इस कोरोना काल में कोरोना पेशेंट को लेकर के कहीं कोई इलाज वगैरह की कोई व्यवस्था, उन्होंने कोई अस्पताल वगैरह की व्यवस्था की है। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि देश के हर हिस्से में, हर शहर में, हर गांव में जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, जो सरकार के एक सिस्टम है, उन सभी अस्पतालों में इस महामारी में, चाहे वो पहले दौर का हो या दूसरे दौर का, अब तक एक जो आंकड़ा हम लोगों के पास पहुंचा हुआ है, उस आंकड़े के हिसाब से दूसरे का जीवन बचाते बचाते लगभग इस देश के इस दूसरे काल तक कोरोना के 750 डॉक्टरों, जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, उनकी जान चली गई है। और उसके बाद बाबा रामदेव जैसे लोग इस तरह के बयान जारी करें तो बड़ा शर्म की बात है, और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशन, NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयां उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चौमिंग, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है।
डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान।